हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है इसके बारे में जानेंगे। कल एनएम की छात्राएं आयोग पहुंची थी। छात्राओं की मांग है कि जल्द जल्द इस भर्ती के नियुक्ति पत्र दिए जाएं। कल अभ्यर्थियों ने बहुत भागदौड़ की। इतनी तेज धूप में अभ्यर्थियों ने हार नहीं मानी। आयोग में सचिव जी से मुलाकात हुई। सचिव जी ने कहा है कि 15 अक्टूबर तक आपकी फाइल विभाग को भेज दी जाएगी। तो 15 अक्टूबर तक फाइल विभाग भेज दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का प्रोविजनल है उसे क्लियर कराने के बाद सभी अभ्यर्थियों को एक साथ ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके बाद छात्राएं काफ़ी दूर पैदल चलकर सभी को अपनी भर्ती के बारे में अवगत कराया। इसके बाद सभी छात्राएं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के आवास पहुंची। वहां छात्राओं ने ज्ञापन दिया। देखिए, इसको देखिए, 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं को सरकारी नौकरी। अनिल, देखिए यहाँ से, विधानसभा में सपा की पूजा ने बेरोजगारों को नौकरी देने का सरकार ने वादा पूरा नहीं किया तो इससे इनकार करते हुए श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि बस 2017 से अब तक 7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई, इनमें 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं। महिलाएं नौकरी के लिए इतना परेशान हैं, इतना भागदौड़ कर रही हैं और यहाँ वहाँ भटक रही हैं और यहाँ झूठ कहा जा रहा है कि 1 लाख महिलाओं को नौकरी दे दी गई है। कब नौकरी दी गई, किसे नौकरी दी गई, आप ही कमेंट करके बताएं। क्या आपको नौकरी दी गई है, क्या आपकी भर्ती की ज्वाइनिंग हो गई है? तो एनएम की छात्राएं बताएं, क्या आपकी भर्ती की ज्वाइनिंग हुई है? जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि 1 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दे दी गई है। देखिए, कल छात्राओं ने ज्ञापन दिया। सेवा में सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ। विषय, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 2/2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा की नियुक्ति के संबंध में। इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पूरा देख लीजिएगा। देखिए, इसको भी देख लीजिएगा। देखिए, काफ़ी दूर तक महिलाएं पैदल चली थी, इसके बाद डिप्टी सीएम आवास पहुंची थी। देखिए, सेवा में श्रीमान सचिव महोदय अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ उत्तर प्रदेश, महानिवेदन, यूपी SSSC में चयनित 8,831 एनएम की नियुक्ति पत्र शीघ्र जारी करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के 100 दिन के कार्य योजना में सम्मिलित है। सम्मिलित एनएम की नियुक्ति शीघ्र करने की कृपा करें। समस्त चयनित आपके आभारी रहेंगे। तो देखिए, अभ्यर्थियों ने किसी का विरोध नहीं किया है, सिर्फ अभ्यर्थी चाहते हैं कि हमारी भर्ती पूरी कर दी जाए, जल्द इसके नियुक्ति पत्र दे दिए जाए। तो छात्राओं ने सरकार का विरोध नहीं किया है और ना ही इस आयोग का विरोध किया है, सिर्फ छात्राएं इतना ही चाहती हैं कि उनकी ज्वाइनिंग करा दी जाए। देखिए, आप देख सकते हैं, सीएम आवास, डिप्टी सीएम आवास पहुंची थी ब्रजेश पाठक जी के यहाँ। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इसको देखिए। भर्ती प्रक्रिया में देरी को लेकर जोरदार प्रदर्शन, एनएम पद के चयनित अभ्यर्थियों ने यूपी SSSC दफ्तर का घेराव, जल्द तैनाती देने की उठाई मांग। तो इसको देख लीजिएगा, इसको देखिए, सशक्त व स्वावलंबी हुई यूपी की महिलाएं योगी। तो सरकार का ये कहना है, कहा देश के सामने उदाहरण बनेगा यूपी विधानमंडल का महिला विशेष सत्र, महिलाओं को समर्पित रही विधानमंडल की कार्यवाही। कितना सशक्त है, कितनी स्वावलंबी है, आपको भी मालूम है। यहाँ छात्राएं बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए यहाँ वहाँ भटक रही हैं। इसके बाद भी झूठ कहा जा रहा है कि 1 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दे दी गई है, जबकि अभी तक किसी को नौकरी नहीं दी गई है। इसको देखिए, शासन प्रशासन और कर्मचारी, राज्य कर विभाग में लिपिक संवर्ग में भर्ती की तैयारी। देखिए, रिक्त पदों का तैयार हो रहा है ब्यौरा, सभी जोन से 1 सप्ताह में मांगी गई सूचना। अगले चरण बस में रिक्त होने वाले पदों के लिए भी भेजा जाएगा अध्याचन। तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने देख ली है, आपने तस्वीरें देखी है, अभ्यर्थी डिप्टी सीएम आवास भी गए,
आयोग गए। हर जगह अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया, क्योंकि पहले छात्राओं से कहा गया था कि 15 सितंबर तक आपकी फाइल विभाग भेज दी जाएगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भर्ती दिन पर दिन डिले होती जा रही है, इसलिए कल छात्राएं आयोग गई थी और डिप्टी सीएम आवास गई थी। तो सरकार से, आयोग से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि इन छात्राओं की आवाज़ सुनी जाए, जल्द इन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएं। जून असिस्टेंट 2019 का जल कब जारी होगा, इसको लेकर बात कर लेते हैं। तो इस भर्ती का जल 30 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। आयोग की पूरी तैयारी है कि इस भर्ती का जल 30 सितंबर तक जारी कर दिया जाए, तो जूनियर असिस्टेंट 2019 के अभ्यर्थी परेशान ना हो। देखिए, इसको देख लेते हैं, इसको पूरा देखिएगा। इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा ज़रूर देखिए। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ इसमें कितना झूठ कहा गया है। विधानसभा में गुरुवार को काम रोको प्रस्ताव के तहत पूजा ने बढ़ती बेरोजगारी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की वजह या अदालत में मामला लंबित होने की वजह से भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, और ये बिल्कुल सत्य है। मंत्री ने जवाब में कहा कि भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में 6,99,823 लोगों को नौकरी दी गई। दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में 10,000 लोगों को नौकरी दी गई, जबकि निजी क्षेत्र में 25,000 को नौकरी दी गई। अनिल राजभर ने यह भी बताया कि 2017 से अब तक संविदा पर 56,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया गया। इसके अलावा 50,000 की करियर काउंसलिंग की गई। तो ये कितना सत्य है आप भी जानते हैं, कितने लोगों को नौकरी दी गई है, कितने लोगों को नौकरी नहीं दी गई है, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ युवा परेशान है नौकरी के लिए, धरना हो रहा है, सिलेक्शन होने के बाद भी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, और यहाँ बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। सच क्या है आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए सभी अभ्यर्थी एकजुट रहें और सच क्या है ये बताने की कोशिश करें, क्योंकि आप भी जानते हैं आज तक कितनी नौकरियां दी गई हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक इस बात को पहुँचाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।